हेलो दोस्तों, हाल ही में भारत के एक महान खिलाड़ी और कप्तान ने संन्यास ले लिया। भारत के इस महान कप्तान की संन्यास आपको जरूर चौंका देगी। आप सोच रहे होंगे हम किस कप्तान की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हो जाइए तैयार, हाजिर हूँ इस वीडियो के साथ उनकी कुछ अनसुनी बातों को लेकर। दोस्तों मैं हूँ चंदन, अपने चैनल ऑल इन वन अड्डा पर इस वीडियो में लाया हूँ एक ऐसी कप्तान कहानी जो भारत को हमेशा गौरवान्वित ही किया है, लेकिन हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो से रहें आप हमेशा अपडेट। कहावत है कि शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो उसकी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए। बूढ़ा शेर उतना ही घातक होता है जितना तूफान के आने से पहले की शांति। शेर को हमेशा से ताकत का दूसरा नाम माना जाता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय हॉकी के ऐसे बूढ़े शेर की जिसके खाते में जितने पदक हैं उससे कहीं ज्यादा लोगों के दिलों में उसके लिए सम्मान। वह पद्मश्री भी है और भारतीय खेल रत्न भी। वह हॉकी के जादूगर तो नहीं, लेकिन उनके हाथ में पकड़ी गई हॉकी स्टिक गेंद को नाटकीय अंदाज जरूर देती है। कहते हैं कि जब उनका खेल शुरू होता है तो विपक्षी टीम के गोल पोस्ट में जाकर ही दम तोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व भारतीय कप्तान सरदार सिंह की। भारतीय हॉकी का वह बूढ़ा शेर जिसने भारत के लिए हॉकी के मैदान में जीत की कई कहानियां लिखी। ऐसे में यह जानना दिलचस्प रहेगा कि उन्होंने किस तरह से हॉकी को अपना कैरियर बनाया और कैसे वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। जुलाई 1986 को हरियाणा के सिरसा जिले में जन्मे सरदार सिंह का ताल्लुक हॉकी के परिवार से था। छोटी सी उम्र में जब बच्चे खिलौने की मांग करते थे तब सरदार सिंह ने हॉकी स्टिक को अपना खिलौना बना लिया। असल में उनके बड़े भाई दिलदार सिंह राष्ट्रीय टीम के खेल चुके हैं। इसके अलावा वह अपने समय के शानदार ड्रैग फ्लिक का विशेषज्ञ रहे हैं। यही नहीं, वह प्रीमियर हॉकी लीग में हैदराबाद सुल्तान के लिए भी खेलते हुए देखे गए। इस लिहाज से कह सकते हैं कि सरदार हॉकी के स्टिक के साथ ही बड़े हुए। यही कारण रहा कि जब वह बड़े हुए तो करियर को लेकर उनका नजरिया एकदम साफ था। हॉकी के जुनून और अपनी मेहनत के चलते सरदार जल्द ही चयनकर्ताओं के नजर में आ गए। 2003-2004 में उन्हें भारतीय जूनियर टीम के पोलैंड दौरे पर टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। क्योंकि सरदार एक छोटी सी जगह से आए थे इसलिए दर्शकों की बड़ी संख्या के सामने खेलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा। शुरुआती करीब 70 मिनट तक सरदार सिंह ने गेंद को एक बार भी नहीं छू सके और उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहे। इसका नतीजा यह रहा कि उनके मन में एक बात घर कर गई कि वह बड़े स्तर पर नहीं खेल सकते। उन्होंने हार नहीं मानी और पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। साल 2006 में उनकी मेहनत रंग लाई। यह साल उनके करियर का सबसे बड़ी खुशी लेकर आया। यही वह साल था जब सरदार सिंह को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलने का मौका मिला। इसके बाद सरदार सिंह ने कभी भी करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिलसिला आगे बढ़ा तो सरदार सिंह साल 2008 में 22 वर्ष की उम्र में सुल्तान अजलान शाह कप में भारतीय टीम के सबसे युवा कप्तान बनाए गए। एक कप्तान के तौर पर सरदार सिंह 16 टूर्नामेंट खेल चुके हैं जिसमें विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी विश्व लीग, अजलान शाह कप, एशियन गेम, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी और राष्ट्रमंडल खेल जैसे टूर्नामेंट शामिल हैं। इंचियोन आयोजित एशियाई खेल 2014 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजारोहक के रूप में भी सरदार सिंह को दिखे। यह सीजन भारत के नाम रहा और सरदार की कप्तानी में भारत स्वर्ण पदक विजेता बना। इस जीत के बाद भारत रियो ओलंपिक 2016 में भी क्वालिफाई करने में सफल रहा। बतौर खिलाड़ी बात की जाए तो सरदार सिंह अब तक 37 टूर्नामेंट खेल चुके हैं। टीम में एक खिलाड़ी के तौर पर रहते हुए जहां उन्होंने 7 स्वर्ण अपने नाम किए, वहीं बतौर कप्तान 3 स्वर्ण पदकों का अपना कब्जा रहा। बतौर कप्तान उनके नाम 5 रजत और 2 कांस्य पदक भी दर्ज हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरदार भारत की तरफ से हॉकी में कप्तानी करने वाले सबसे युवा कप्तान बने रहे।
2008 में उन्हें कप्तानी मिली, तब वो महज 21 साल के थे। कहते हैं जिसके साथ शोहरत होती है उसके साथ विवाद भी जुड़ जाता है। दोस्तों सरदार सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण में सरदार सिंह सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। इस प्रतियोगिता में उन्हें दिल्ली की टीम ने 42.49 लाख रुपये में खरीद कर अपना हिस्सा बनाया था। जिस तरह से दिल्ली ने उन पर भरोसा दिखाया था उसी तरह उन्होंने मैदान पर अपना जलवा भी दिखाया। इस टूर्नामेंट में वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। इसी कड़ी में 2015 में उन्हें देश का चौथा सबसे सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री भी मिला। इससे पहले उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एक ऐसा भी दौर आया जब सरदार सिंह पर महिला के साथ यौन शोषण का एक गंभीर आरोप लगा। यह खबर काफी लंबी सुर्खियों में रहा। इसके बावजूद भी उन्हें राजीव गांधी पुरस्कार मिला। वर्तमान में वह टीम इंडिया में सेंटर हाफ खेलने वाला यह बूढ़ा सिर हरियाणा पुलिस में डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस अधिकारी का रुतबा रखते हैं। आज भले ही उनकी उम्र हो चली है लेकिन वो अब भी अच्छे अच्छे प्रभारी हैं, तो शायद इसी वजह से उन्हें भारतीय हॉकी टीम का बूढ़ा सिर कहा जाता है।